अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने कल अपना नावल जो है गुड बाय मिस्टर चिप स्टार्ट किया था, जो जेम्स हिल्टन ने लिखा था। कल हमने इसका जो चैप्टर वन था उसके मेन पॉइंट्स किए थे और मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो स्टेप बाय स्टेप चलती जाएगी। पहले एक दो चैप्टर्स में आपको इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इवेंट्स जो हैं वो आगे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी मैंने कल भी बताया था एक सीक्वेंस से नहीं चल रही है। मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी पुरानी यादों को जब बैठते हैं अपने हीटर के सामने या कह लें या अपने आतिशदान के सामने, तो वो पुरानी यादों को याद करते हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने ये शो किया है कि जैसे जैसे उनके माइंड में वो थॉट्स आती हैं, जैसे पुराना वक्त आता है, तो वो उसी तरह से इवेंट्स कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक दो चैप्टर्स पढ़ लेंगे, बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो बार बार डिस्कस होंगे, तो वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह लिए आपने आज भी बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे दरमियान में बात होगी जिनकी जो हम कल कर चुके हैं, तो आपको कल से बेहतर अब उनकी समझ आएगी। क्योंकि अगर कल का आपने उसको अच्छे से लेक्चर को सुना है और उसको दोबारा में समरी भी लिखने की कोशिश की है, तो आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। आज हम अपना चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करते हैं, इसके मेन पॉइंट्स देखेंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और आपने भी अपनी भरपूर कोशिश करनी है कि ये जो टाइम है हमारा थोड़ा सा क्राइसिस का चल रहा है, इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको जो चीज़ें हैं ये क्लियर होती जाएँ। बाद में जब हम पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, तो अपना टाइम आप लोग वेस्ट नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर टू है वो जो स्टार्ट होता है, तो वो कल जो उन्होंने डिटेल बता दी, एक ब्रुकफील्ड नाम यूज़ हुआ था, ये वो स्कूल था जहाँ पे मिस्टर चिप्स ने अपनी सारी उम्र गुजारी थी। अब वो ब्रुकफील्ड की जो है वो सिचुएशन बता रहे हैं, उसकी जगह बता रहे हैं कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है। वो कहता है कि ब्रुकफील्ड वाज सिचुएटेड बिहाइंड एल्म्स क्रॉस द रोड, के जो सड़क के पार है। ये एल्म्स, एल्म्स होते हैं, एक दरख्त होता है, ये उसका नाम है। और इसके जो पत्ते होते हैं वो खुरदरे किस्म के होते हैं। वो कहते हैं इनके पीछे जो है वो ब्रुकफील्ड जो था वो वाकया था, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो ब्रुकफील्ड था, ये जो 18th सेंचुरी की बिल्डिंग्स हैं, तो ये उस हिसाब से उन बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग ये बनाया गया था। वो कहते हैं यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, क्वाडेंगल। तो ये जो है वो कहते हैं कि 18वीं सदी की इमारतों के एक ग्रोह और उनके दरमियान एक जो चकोर सिहन होता था, और ये उसके बेस पर ये बनाया गया था। इसकी जो बिल्डिंग है वो उसी 18th सेंचुरी की बिल्डिंग्स जैसी बनाई गई थी। देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड, इसके पीछे जो थे वो खेल के बड़े बड़े मैदान थे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, जो आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो एक तो ये आ सकती है कि ये किस सेंचुरी की बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग बनाया गया था, तर्ज़ तामीर पे बनाया गया, तो हम कहेंगे 18th सेंचुरीज़ के। फिर इसमें यह भी आ सकती है कि किसके दौर में बनाया गया, इट वॉज़ इस्टेब्लिश इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजबेथ एज अ ग्रामर स्कूल। ये क्वीन एलिजबेथ का जब दौर था उसमें ये एज अ ग्रामर स्कूल के तौर पर बनाया गया था, और ये तब जब ये बनाया गया तो ये वहाँ का बहुत फेमस तरीन स्कूल था, ये उनमें शुमार होता था। अच्छा, फिर ये हुआ कि जैसे स्कूल्स होते हैं, कुछ फर्स्ट रैंक के होते हैं, कुछ सेकंड रैंक के होते हैं, अपने अपने मेयार के हिसाब से, अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो उस वक्त का जो वहाँ पर हैरो पब्लिक स्कूल था वो फर्स्ट रैंक का स्कूल समझा जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये बना तो तब तो ये फर्स्ट रैंक के स्कूल में था, लेकिन फिर ये है इसमें अप्स एंड डाउन आते गए, तो ब्रुकफील्ड जो है इसको हमेशा सेकेंड रैंक के स्कूल के तौर पर कंसिडर किया जाता रहा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसमें थोड़े से जो हैं, कभी ये बहुत ऊपर चला जाता था अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से, कभी ज़रा ज़वाल पज़ीर हो जाता था, तो इस वजह से इसको जो है सेकंड रैंक पे रखा जाता था। फिर वो कहते हैं कि जो ब्रुकफील्ड है ये दोबारा रीबिल्ड हुआ था जॉर्ज फर्स्ट के दौरे हुकूमत में, इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया था, ठीक है। वो कहते हैं कि जो ये स्कूल है नेपोलियन की जंगों में और मलका विक्टोरिया के अहदे हुकूमत में ये थोड़ा सा जो है जवाल पजीर हुआ था, इसकी शोहरत और इसके तलबा दोनों जो हैं वो कम हो गए थे। तो उस दौर में जब नेपोलियनिक वार्स हुई थी तो तब ये थोड़ा सा जवाल पजीर हुआ था, इसकी शोहरत में भी कमी आई थी और इसके स्टूडेंट्स में भी कमी आई थी। वही बात कि ये अप्स एंड डाउन का शिकार रहा है ये जो इंस्टीट्यूट था, तो इस हिसाब से ये तब डिक्लाइन शिकार रहा।
फिर उन्होंने बात की है 1840 की कि 1814 में क्या हुआ था। मिस्टर वेदरबाई का एक नाम आपको सामने नज़र आ रहा होगा, मिस्टर वेदरबाई वही शख्स था जिसने अपॉइंटमेंट की थी मिस्टर चिप्स की। वो कहते हैं कि मिस्टर जब 1814 में मिस्टर वेदरबाई वहां पर आया था तो उसने स्कूल की किस्मत बदली थी, तो इसका स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा फिर अप हो गया था। वो कहते हैं कि मिस्टर वेदरबाई ने जो इसकी तकदीर बदली उसके बाद कभी भी ये फर्स्ट रैंक के स्कूल में नहीं आया, फिर ये सेकंड रैंक के स्कूल्स में ही रहा। ये उतनी अच्छी रिप्यूट दोबारा कभी ना बन सकी जितनी मिस्टर वेदरबाई के जो है दौर में हुई जब वो वहाँ पर प्रिंसिपल था। वो कहते हैं कि इसकी रिप्यूट खैर इतनी भी बुरी नहीं थी, इसमें से बहुत से लोग ऐसे निकले जो जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और बिशप्स भी बने, ठीक है। वो कहते हैं कि मोस्टली जो है यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो जो थे मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, प्रोफेशनल मैन थे, इस तरह के भी जो प्रोफेशंस हैं इनके भी लोग निकले थे। वो कहते हैं कि बहुत हाई पोस्ट पे भी लोग गए थे और जो एवरेज थे वो भी गए थे लोग, तो इसको किसी इदारे से कम नहीं समझा जाता था, लेकिन ये एक स्टेबल पोजीशन पे कभी नहीं रहा था। तो फिर इसके बाद वो ये अदारे की बात करने के बाद वो मिस्टर चिप्स पे आ जाते हैं कि मिस्टर चिप्स के थोड़ा सा लाइफ के बारे में वो बताना शुरू कर देते हैं कि मिस्टर चिप्स जो है वो 20 और 30 साल की उम्र में ऐसा ही था जैसे कोई भी शख्स एम्बिशियस पर्सन हो सकता है। वो भी बड़े जैसे कोई बंदा अपना करियर स्टार्ट करता है तो वो बड़े ड्रीम्स लेके आता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, तो मिस्टर चिप्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 20 से 30 साल की उम्र में मिस्टर चिप्स को ये लगता था कि वो किसी अच्छे स्कूल का, फर्स्ट रैंक के स्कूल का जो है उसको हेड बन जाना चाहिए, वो एफर्ट करेगा और वो हेड बन जाएगा। लेकिन कुछ अरसे बाद जब वो इस फील्ड में आ गया, टीचिंग की फील्ड में, तो फिर क्या हुआ कि उसने बार बार ट्रायल्स दिए, कुछ एग्ज़ाम्स दिए, तो बार बार वो उनमें जो है वो फेल होता रहा, उसको क्लियर ना कर सका। तो फिर जो उसको है थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि वो किस लेवल का एक टीचर है, किस लेवल का एक स्टूडेंट है। मतलब ये कि चिप्स जो है वो ना बहुत ज़्यादा कोई हाई स्टैंडर्ड का टीचर समझा जाता था, ना लोएस्ट टीचर जिसको हम एवरेज टीचर कहते हैं कि जो अपनी बात समझा पाता है, तो वो उस हिसाब से वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से था। और जब वो बार बार उसके ट्रायल्स में उसका फेलियर हो तो उसने रियलाइज़ कर लिया कि उसकी यही जगह है और वो इस जगह पर ही काम कर सकता है। और उसने ये भी तब फील किया कि इसको आगे जाने के चांसेस कम है, बेहतर है कि वो यहीं रहे और यहीं पर अपना जो है करियर बनाए। इसके बाद वो कहते हैं उसकी डिग्री की बात करते हैं, तो उसकी जो डिग्री थी वो बड़ी अच्छी नहीं थी, वो एक एवरेज सा स्टूडेंट था, जैसा वो एवरेज सा टीचर था वैसा ही वो एवरेज सा एक स्टूडेंट था। His discipline thought good enough and improving was not absolutely reliable. उसकी जो education थी वो कहते हैं कि उसके ऊपर discipline के ऊपर reliable नहीं हो सकते थे, वो उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते थे। उसमें improvement आ रही थी लेकिन अभी वो उसके ऊपर भरोसा कभी भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो अभी भी अपने इसी progress में था कि वो खुद को बेहतर से बेहतर बनाता जाता। इसके बाद जो है वो उसने ये सोचना भी छोड़ दिया था कि वो यहाँ से कुछ छोड़कर किसी और जगह पर जाएगा और जाकर वहाँ का हेड बनेगा या कोई सीनियर टीचर पर काम करेगा। फिर वो आगे उसका फर्दर बताना शुरू कर देते हैं। जब उसने ये सोच लिया, उसने फैसला कर लिया कि ये उसके लिए अच्छी और सूटेबल जगह है, कि ब्रुकफील्ड ने उसको जगह दी है, वो अपने आप को बेहतर बना सकता है, उसके शिद्दत से इम्कान मौजूद हैं, तो उसने एक अपने आप को ज़हनी तौर पर सेटिस्फाइड कर लिया। उसको एक तसल्ली हो गई कि ये इदारा है, ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो अपनी सलाहियतों को बरकरार ला सकता है, वो इसे आगे जाना नहीं चाहता। फिर उसने अपना पूरी कंसंट्रेशन स्कूल पर लगा दी। जब वो 40 साल का हुआ तो उसने वहाँ पर खुशी खुशी जो है वो रहना शुरू किया और वो वहाँ पर अपनी वो जो कहते हैं जड़ें बना चुका था, वो अब जमकर वहाँ पर एक एज ए टीचर के तौर पर सामने आया। जब वो 50 साल का हुआ तो वहाँ पर उसको जो है एक वर्ड यूज़ किया, डोयन, उसको डोयन ऑफ द स्टाफ बना दिया गया, ठीक है। डोयन ऑफ द स्टाफ वो होता है कि जो स्टाफ का एक काबिल इज़्ज़त रुकन समझा जाता है, इसको डोयन ऑफ द स्टाफ बना दिया गया, ठीक है। जब वो 60 इयर्स की उम्र में हुआ तो उसको एज अ चीफ गेस्ट लेना शुरू कर दिया गया ब्रुकफील्ड के जब डिनर्स होते थे, क्योंकि वो एक सीनियर टीचर के तौर पर माना जाने लगा और उसने अपनी सलाहियतों से अपने आप को मनवाना भी शुरू किया और अपने बहुत सारे साल इस स्कूल को दिए, उसकी बेटरमेंट के लिए दिए और स्कूल के हर तरह के इंतजाम से वो अब वेल अवेयर होता था। तो उसको एज अ सीनियर टीचर के तौर पर, एज अ चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर
बना दिया गया ब्रुकफील्ड के मुख्तलिफ फंक्शंस में और उसके डिनर्स में। और 1913 में जब 65 ईयर्स का हुआ तो फिर जो है कि उसकी वो एज आ गई जब उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ी और वो अपनी जॉब से रिटायर हो गया। और जब वो अपनी वो भी बड़ा अच्छा सीन उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जब मिस्टर चिप्स जो है वो रिटायर हुआ वहाँ से, तो उसको जैसे कि हमारे यहाँ एक रिवायत होती है कि अपने जाने वाले टीचर को मुख्तलिफ तरह के तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं, तो मिस्टर चिप्स को भी जो है उन्होंने 3 चीज़ें पेश की। उनमें एक चेक था, एक राइटिंग डेस्क था और एक क्लॉक था। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आपकी बड़े अच्छे से याद करने वाली हैं कि उसको क्या क्या जो चीज़ें हैं गिफ्ट्स में मिली, किस एज में वो रिटायर हुआ, ईयर कौन सा था, किस एज में उसको एज आ चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर लिया गया, किस एज में उसको डोयन ऑफ द स्टाफ का जो है वो मनसब मिल गया था, और किस एज में उसने ये दिल को तसल्ली दे के खुशी खुशी समझा लिया कि वो यहाँ पर सेट है और वो अपनी जॉब यहीं कंटिन्यू करेगा। ठीक है, जब उसकी रिटायरमेंट का सीन आता है तो उसमें मिस्टर चिप्स जो है, क्योंकि वो लैटिन टीचर है, ठीक है, वो शुरू से लैटिन पढ़ाता रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग उसके ख़िलाफ़ भी रहे, बहुत सारे उसके हक में भी रहे, तो ये आगे फर्दर चैप्टर्स में डिस्कशन आएगी कि किन किन लोगों से उसका पाला पड़ा और किन को उसने फ़ेस किया। तो मिस्टर चिप्स जो है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वो बड़े ह्यूमरस वे में भी बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता था, थोड़ी फ़नी बातें करता था, थोड़ा सा माहौल बना देता था, इस तरह के कई लोग जो है उसकी बात में इंटरेस्ट लेते थे और वो उसके जोक्स मशहूर हो जाते थे। वो कई बार ऐसी बात कर देता था कि उस बात को एज अ जोक लिया जाता था और कहा जाता था इस वीक का या इस मंथ का मिस्टर चिप्स का ये वाला जोक चल रहा है। तो उसने जब अपनी फेयरवेल स्पीच दी तो उसने एक बड़ी फ़नी स्पीच दी, लोगों को हंसाया भी, लोग कुछ सैड भी हुए, उसने डिफरेंट लैटिन जोक्स का इस्तेमाल किया और लोगों ने बड़े तालियां बजाई उसके लिए, लोगों ने 3 दफ़ा खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई, उसको अप्रिशिएट किया, उसकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया। उसमें उसके स्टूडेंट्स भी शामिल थे, उसके जो स्टाफ मेम्बर्स थे वो भी शामिल थे, उसके लिए बहुत सारे उन्होंने तारीफ़ी कलमात भी कहे, ख़ुद उसने बड़ी अच्छी स्पीच की। तो फिर उन्होंने कहा कि अ डिसेंट करियर डिसेंटली एंडेड, के जो उसका एक डिसेंट करियर था एज अ टीचर वो बड़े डिसेंट तरीके से उसका अख्ताम हुआ। ठीक है, ये आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 था। उम्मीद है कि इसके सारे मेन पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे और आपको जो चीज़ें हैं सारी डिटेल से याद रह जाएंगी। अब इसमें आपने देखा कि बहुत सारे करेक्टर्स जो हैं वो वाले डिस्कस हुए हैं जो पिछले में भी थे। हाँ, इसमें एक चीज़ एंड पे और भी उन्होंने बताई कि जब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तो वो अपनी सारी चीज़ें लेकर मिसेस विकेट के घर में शिफ्ट हो जाता है। मिसेस विकेट वही हैं जो फर्स्ट चैप्टर में हमें पता चला कि एक रोड क्रॉस करके ही ब्रुकफील्ड के सामने रहती हैं, और मिस्टर चिप्स जो है वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है इसके बाद। तो वो भी करेक्टर पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो उम्मीद है आज का चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। कल के नए लेसन के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।